हेलो दोस्तों, आज हमारे पास है अजस्ट प्रो विद इंजन लॉक अनलॉक। आज हम इसे पल्सर 180 में इंस्टॉल करने वाले हैं। तो चलिए दिखाते हैं इसको कैसे इंस्टॉल करना है। हमें इसे गाड़ी के बैक साइड सीट के नीचे इंस्टॉल करेंगे। इसमें हमें कनेक्शन यहाँ से भी लेना पड़ेगा और आगे हेड में से भी लेना पड़ेगा। तो वो किस तरीके से लेना है, कैसे खोलना है, कैसे करना है, तो वो आपको मैं इस वीडियो के थ्रू बताता हूँ। आइए, सबसे पहले आपको ये बाइक की सीट निकाल लेनी है। तो उसके लिए आपको ये खोलना पड़ेगा। आपको ऐसे सीट निकाल देनी है और फिर जीपीएस के कनेक्शन करने हैं। ये रहा हमारा अजस्ट प्रो डिवाइस, इसके ये रही वायरिंग। तो इसके कनेक्शन में थोड़ा आपको ब्रीफ में समझा देता हूँ। ये रेड और ब्लैक है जो जीपीएस की मेन सप्लाई के वायर है। इन्हें आपको क्या करना है, बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव में लगाना है। ब्लैक को नेगेटिव में और रेड को पॉजिटिव में लगाना है। और ये आपको इग्निशन में देना है, जिसमें 12 वोल्ट का करंट स्विच ऑन करने पे आए। तो ये आपको पीछे कनेक्शन इसमें मिल जाएंगे, मैं आपको चेक करके बता दूंगा अभी मल्टीमीटर से। और ये आगे की तरफ जाएगा, जिसके हम आगे रिले के कनेक्शन करेंगे, येलो वायर। तो चलिए करते हैं इसके कनेक्शन। तो सबसे पहले मैं जीपीएस को करंट दे देता हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव में। ब्लू वायर के कनेक्शन के लिए हमें क्या करना है कि वो पॉइंट ढूंढना है जिसमें स्विच ऑन करने पे 12 वोल्ट का सप्लाई मिले। अभी देखिए ये स्विच ऑन है, मैं ये ऑफ कर देता हूँ। देखिए ये वाले वायर में मुझे करंट अभी नहीं मिल रहा है, 2 पॉइंट मिल रहा है, लेकिन हमें 12 वोल्ट चाहिए। जब मैं ये स्विच ऑन करता हूँ, ये देखिए इसमें 12 वोल्ट का मिल गया है। तो हमें इस वाले वायर में, ब्राउन कलर के वायर में, ये इग्निशन का वायर लगाना है। आपको ऐसे ही ट्रेस करना है जिसमें स्विच ऑन करने के बाद 12 वोल्ट का सप्लाई मिले। आपको उस वायर में ये इसका कनेक्शन करना है। ये हमारा जीपीएस का कनेक्शन पूरा हो गया है। बस हमें रिले का कनेक्शन करना है, जो आगे हेड से करेंगे हम। तो उसको कैसे क्या खोलना है, चलिए आपको दिखाता हूँ। रिले के कनेक्शन के लिए आपको ये हेड को खोलना पड़ेगा। तो ये स्क्रू आपको खोलने पड़ेंगे, इससे ये पूरा बाहर आ जाएगा। चलिए मैं आपको खोल के बताता हूँ। बाइक में रिले इंस्टॉल करेंगे तो इसके कनेक्शन कैसे क्या फाइंड आउट करने हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको मल्टीमीटर ले लेना है। मल्टीमीटर में क्या करना है, जो वायर निकलेगा इस तरफ से है, ये जैसे ये स्विच है, ये स्विच से ये वायर निकला है, इस कपलर में गया है, ठीक है। तो आपको इसी में अपना मल्टीमीटर से चेक करना है, जिसमें 12 वोल्ट का करंट आएगा वो डायरेक्ट वाला होगा। ये देखिए 12 वोल्ट आ रहा है, ये डायरेक्ट वाला है। और उसके साइड वाला देखिए, ये वाइट वाला वायर जो बैटरी से डायरेक्ट आया है, देखिए ये 12 वोल्ट मिल रहा है और इसके साइड वाले वायर में नहीं मिल रहा है। ये देखिए, तो हमें ये वाले वायर को काटना है जिसमें रिले के कनेक्शन करेंगे। तो हमको यहाँ से काट लेना है ये, जिसमें से आपको क्या करना है, इन दोनों को मर्ज कर लेना है और उसको, ये वाला वायर को इस कपलर से निकाल के इसमें जोड़ देना है।
फिर इसके दूसरी तरफ होगा इसका ये वाला ब्राउन, ये वाला है, ये कटा हुआ दिख रहा है, हमें इसमें लगाना है। उसके कनेक्शन भी हम यहाँ से कर देंगे। हाँ, रिले के कनेक्शन हो गए हैं, जिसमें हमने इग्निशन वायर को कट करके और जो डायरेक्ट स्विच से निकला है उसमें ग्रीन और रेड दोनों लगा दिए हैं, और दूसरे छोर पे ये दूसरा वाला ग्रीन लगा दिया है। अब हमें चेक करना है कि हमारा रिले वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। रिले के कनेक्शन हमारे हो गए हैं, ठीक है। अब ये जो येलो वायर बचा है इसे हम जीपीएस के येलो वायर में जोड़ते हैं, लेकिन जोड़ने से पहले हम चेक कर लें कि हमारा रिले वर्क कर रहा है या नहीं। उसके लिए हमें गाड़ी का स्विच ऑन करना पड़ेगा। ये देखिए गाड़ी का स्विच ऑन हो गया है। अब ये वाला वायर हम ग्राउंड जैसे ही करेंगे ये डैशबोर्ड बंद हो जाएगा, गाड़ी बंद हो जाएगी हमारी। ये देखिए ये गाड़ी बंद हो गई, और जैसे ही मैं छोड़ूंगा ये चालू हो जाएगा। Okay. अभी इसमें क्या होता है, इंजन कैसे ऑफ होता है ये भी दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई है, जैसे ही ये वायर ग्राउंड होगा गाड़ी ऑफ हो जाएगी। जैसे ही हम डिवाइस को कमांड देते हैं तो ये इस तरीके से इंजन को बंद कर देता है। चलिए अब हम इसको टेपिंग करके पैक कर देते हैं, और रिले का वायर हम यहाँ ला के इसके कनेक्शन प्रॉपर फिक्स कर देते हैं। तो रिले का वायर, ये जो जीपीएस का वायर है, इसको क्या करना है, यहाँ से हमें सेफली टंकी के नीचे से निकालना है। इसलिए इन लोगों ने बड़ा 2 मीटर का लगभग वायर दे दिया है। इसे हम नीचे से डाल लेंगे। हाँ, ये रिले का वायर मैं यहाँ से टंकी के नीचे से डाल के यहाँ ले आया हूँ इसके अंदर से करके। अब हमें क्या करना है, इसको रिले के येलो वायर में जोड़ना है। और अपनी सभी वायरिंग पे अच्छे से टेपिंग कर देंगे। पर हमारे रिले के कनेक्शन हो गए हैं, अब हम इसको वापस से फिक्स कर देते हैं। जीपीएस के कनेक्शन होने के बाद हमें इसको गाड़ी में फिक्स करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका कपलर लगा देंगे। ये टाई इसमें हमको ऐसे फंसाना है, और फिर जीपीएस हमारा फिक्स हो गया है। इस जीपीएस में क्या है कि एक्सीडेंट अलर्ट है, तो ये हिले डुले ना, इसके हमें इसको अच्छे से फिक्स करना है। ये देखिए ये बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है, इस तरीके से आपको फिक्स करना है। अब इसकी जो वायरिंग है इसको हम यहाँ फिक्स कर देंगे। हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको एडजस्ट ऐप में इसको कैसे इंजन को ऑफ करते हैं वो दिखाता हूँ। देखिए मैं यहाँ गाड़ी को स्टार्ट कर देता हूँ, ये नोटिफिकेशन आ गया है। अब मैं इसको मोबाइल से ऑफ करूँगा, ये मैंने इंजन लॉक कर दिया, ये गाड़ी बंद हो गई है। अब इसको जितना भी चालू करूँ ना कुछ लेगा, सेल्फी नहीं लेगा, कुछ नहीं होगा। जब तक हम फोन से ऑन नहीं करेंगे तब तक वहाँ ऑन नहीं होगा। ये देखिए अब इसको मैं अनलॉक कर रहा हूँ, ये अनलॉक हो गया, और अनलॉक होते से यहाँ चालू हो गया है। तो इस तरीके से हम फोन से ही इंजन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। थैंक यू।